बैंक पीओ हो या क्लर्क हो, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर हो यानी एओ असिस्टेंट हो, या रेलवे का एग्जाम हो, यहाँ पे हम डिस्कस कर रहे हैं हाई लेवल क्वेश्चंस जो पूछे जा सकते हैं आपके सिंपल इंटरेस्ट क्वेश्चन के ऊपर। एसबीआई पीओ, सॉरी एसबीआई आईबीपीएस, आरआरबी, यूबीआई, सॉरी यूआईआई, आरबीआई, एनआईसीएल, एलआईसी जैसे कॉम्पिटेटिव एग्जाम से पूछा जाता है। ये वीडियो नंबर वन है। पहला सवाल बोलता है कि कोई पर्सन अवेल करता है लोन 3 साल के लिए, ठीक है, जिसका रेट ऑफ इंटरेस्ट है 12.5%, जिसका सिंपल इंटरेस्ट जो है 3,500 रुपए सिंपल इंटरेस्ट का कम होता है प्रिंसिपल से। तो बोलता है क्या होगा अमाउंट प्रिंसिपल और सिंपल इंटरेस्ट का, ठीक है, ये क्वेश्चन है। तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं। आपको पता होगा 12.5% को हम क्या लिख सकते हैं, 1 12.5 डिवाइड बाई 100, पॉइंट हटा दीजिए तो यहाँ एक और जीरो आ गया, सॉल्व करेंगे तो 1/8 आ जाएगा, ठीक है। डायरेक्टली आप लिख सकते हैं, अगर आपको पता हो तो 12.5% को हम 1/8 भी बोलते हैं। अब सवाल क्या है इसमें ध्यान दीजिए, इसमें एक ये ऊपर है एक ये है, तो इसको हम पी फॉर प्रिंसिपल, आई एस आई डेट इज सिंपल इंटरेस्ट हो गया, पर ये 1 ईयर का है, हमें कितना ईयर का चाहिए था, यहाँ पे 3 साल लिखा है ना, 3 ईयर्स, तो 3 ईयर हो गया, यानी इसको आप ऐसे समझिए 1/8 लिखा हुआ है, ये सिंपल इंटरेस्ट, ये हो गया आपका प्रिंसिपल, और 3 साल जो चलेगा तो इतना इंटू मल्टीप्लाई बाई 3 हो जाएगा, ऐसा ही कितना हो गया 3 हो गया, 3 यूनिट हो गया, और ये प्रिंसिपल जो है 8 यूनिट हो गया। हम अब इसको यूनिट लिखते हैं, पी फॉर प्रिंसिपल, एस आई फॉर सिंपल इंटरेस्ट, ये हो गया 3 यूनिट, ये हो गया 5 यूनिट, सॉरी 8 यूनिट, ओके okay? अब हम घटा दीजिए, 8 - 3 = 5, डेट इज प्रिंसिपल माइनस एस आई का यूनिट किया, क्या हो जाएगा 8 - 3 हो जाएगा, फिर 5 हो जाएगा, ओके okay? और आपको कितना था, क्या बोला था, प्रिंसिपल ये सिंपल इंटरेस्ट है 3,500 रुपये कम है किससे, प्रिंसिपल सिंपल इंटरेस्ट 3,500 रुपये कम है किससे, प्रिंसिपल अमाउंट से, है ना। यहां पे पढ़िए अगर आपको दिखेगा, यहां पे देखिए, ओके, इसका मतलब क्या हो गया कि ये फिगर हो गया 5 = 3,500, यानी 1 यूनिट हो जाएगा आपका 700 के बराबर, ठीक है। अब आपको क्लियर हो गया, यानी प्रिंसिपल था आपका कितना, यहां पे 8 यूनिट है, 8 यूनिट, दिस इज 8 यूनिट, दिस इज 3 यूनिट, 8 यूनिट इंटू 700, 1 यूनिट का कितना वैल्यू, 1 यूनिट का वैल्यू 700 है, और सिंपल इंटरेस्ट का कितना यूनिट है, 3 यूनिट है, यानी 3 × 700 2100। अगर आप इन दोनों को सेपरेट भी करिएगा तो 3,500 भी जाएगा, ठीक है। डेट इज द, आपको यही चाहिए था प्रिंसिपल और सिंपल इंटरेस्ट, निकल गया। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है सिंपल इंटरेस्ट अप्लाइड होगा मनी पे 4 साल के लिए, बोलता है कि सिंपल इंटरेस्ट 4,400 रुपए कम होता है प्रिंसिपल से, अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट 6 2/3%, तो बोलता है कि क्या प्रिंसिपल होगा क्या सिंपल इंटरेस्ट होगा, बिल्कुल इसी तरीके का सवाल है, 6 2/3%। इसको अगर आप सॉल्व करेंगे डेट इज क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 18 × 20/3/1/100, ऐसे अगर आप सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 1/15, वही लिखा हुआ। अब कितने साल के लिए था, 4 ईयर्स के लिए था, तो इतना इंटू 4 कर दो, तो ये हो जाएगा आपका सिंपल इंटरेस्ट और ये हो जाएगा आपका प्रिंसिपल का यूनिट, ठीक है। तो यहां पे प्रिंसिपल का यूनिट और यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट का यूनिट आप लिख लो, 15 हो गया, इसका 4 हो गया। आपको यहाँ पे क्या बताया, सिंपल इंटरेस्ट कम है प्रिंसिपल से 4,400 रुपए, यानी पी माइनस एस आई विच इज इक्वल टू सॉरी 4400, यहाँ क्या हो जाएगा 15 - 4 = 4400, इतना यूनिट हो गया, यानी 11 यूनिट बराबर, ठीक है,
और यूनिट हो जाएगा आपका कितना, सॉरी यूनिट हो जाएगा आपका 4400/11, यूनिट हो जाएगा आपका कितना, कैंसिल कर दीजिए 400, 400 की यूनिट होगी आपका, ठीक है। और आपका क्या सवाल था, प्रिंसिपल, प्रिंसिपल यहाँ कितने यूनिट का था, यहाँ था आपका 15 यूनिट का, तो 15 मल्टीप्लाई बाई 400 कर देते हैं तो हो जाएगा 60,000, इतना रुपीज 6,000 रुपये। और सिंपल इंटरेस्ट हो जाएगा कितना, 6,000, सॉरी 4 यूनिट है, विच इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई बाई 400, डेट विल बिकम 16,000, 1600। नेक्स्ट, सॉरी, तो यहां पे आपको पता चल गया प्रिंसिपल क्या है और सिंपल इंटरेस्ट क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है सिंपल इंटरेस्ट जो चार्ज किया गया है वह है फर्स्ट 3 इयर्स के लिए 6%, फिर नेक्स्ट 4 इयर्स के लिए 7%, फिर नेक्स्ट 7 इयर्स के लिए 7.5% पर एनम के हिसाब से। बोलता है कि जो रुपीज है वो 18,800 रुपए पे किया गया है एज प्रिंसिपल, जो कि इन्वेस्ट होता है 11 साल के लिए। तो आपको बोल रहा है कैलकुलेट करके बताइए हमको सिंपल इंटरेस्ट कितना मिलेगा। ये वेरी इजी क्वेश्चन है, सिंपल इंटरेस्ट कितना चार्ज हो रहा है 3 साल के लिए 6%। सिंपल इंटरेस्ट जो चार्ज हुआ है 3 साल के लिए 6% हुआ है, ठीक है। फिर 4%, अच्छा ये लिखने की जरूरत ही नहीं हमें, ये तो लिखा हुआ है। फिर है सिंपल चार्ज हुआ है 3 साल के लिए 6%, नेक्स्ट 4 साल के 7%, फिर नेक्स्ट 7 साल के 7.5%। बोलता है कि 18,800 रुपए पे किया गया था एज ए प्रिंसिपल, जो कि इन्वेस्ट किया गया 11 साल के लिए। तो बोलता है कि कैलकुलेट करके बताइए सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा, सीधा सीधा सवाल, सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा 11 साल के बाद की बात है, ठीक है। तो सिंपल इंटरेस्ट जो था आपका 6% चार्ज हुआ 3 साल के लिए, ये हो गया टोटल 18%। फिर चार्ज हुआ आपका सिंपल इंटरेस्ट 7% नेक्स्ट फॉर 4 इयर्स, तो ये हो गया आपका 28%। फिर सिंपल इंटरेस्ट चार्ज हुआ आपका 11 साल के लिए बोल रहा है, और 4 साल आपको चार्ज हुआ, सॉरी 7.5% चार्ज हुआ, ओके कितना चार्ज हुआ 7.5% चार्ज किया। यहाँ पे कितना लिखा, 7.5% चार्ज हो रहा है 7 साल के, बस हमको 7 साल तो जाना नहीं है, हमें 4.5 साल के लिए जाना है, ठीक है, क्योंकि इतना आप करेंगे तो 11 हो जाएगा ना, ठीक है। 11 साल के लिए बोल रहा है ना, आपको कैलकुलेट करना है, ये हो जाएगा 30%, ऐड कर दीजिए, ये इधर ऐड करेंगे तो 11 हो जाएगा, 3+4 7, 7+4 11, ठीक है। उसी तरीके से अगर आप यहाँ ऐड करें 30+28 58 58+18 76%, ठीक है, ये हो गया आपका रेट परसेंटेज। तो आपको पता ही है प्रिंसिपल का, सॉरी क्या फॉर्मूला है, पी इंटू आर इंटू टी बाई 100, विच इज इक्वल टू सिंपल इंटरेस्ट। हमसे पूछा गया है सिंपल इंटरेस्ट क्या है, ठीक है, निकाल देते हैं। प्रिंसिपल यहाँ पे क्या है, 18,800 लिखा हुआ है क्वेश्चन में, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या हो जाएगा, रेट हो जाएगा 76%, विच इज बेसिकली आर एन टी, नॉट रेट, दिस इज आर मल्टीप्लाई बाय टी है, ये क्या है आर मल्टीप्लाई बाय टी, 76% आए, डेट इज आर मल्टीप्लाई बाय टी है, ठीक है। अब आपको सॉल्व करना है, सॉल्व करने पर आ जाएगा 14,288 रुपीज, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है कि किसी सर्टेन अमाउंट पे जो पैसा है उसको चार्ज किया गया 4% 2 साल के लिए, फिर उसके अगले 4 साल चार्ज किया गया 6%, नेक्स्ट 6 साल के लिए फॉर 8 इयर्स के लिए। तो बोलता है सिंपल इंटरेस्ट जो है वो 1,120 रुपए, तो बोलता है प्रिंसिपल अमाउंट क्या होगा 9 साल के बाद, समझ में आएगा। क्या बोलते हैं, किसी सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी पे चार्ज किया गया 4% 2 साल के लिए,
फिर बोलते अगले 4 साल के लिए चार्ज किया गया 6%, नेक्स्ट 6 ईयर्स के लिए 8% पे, ठीक है। बोलते हैं सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा, 1120 रुपए का, जो सिंपल इंटरेस्ट ऑलरेडी दिया हुआ है आपको 1120 रुपए, तो बोल रहा है प्रिंसिपल अमाउंट क्या होगा 9 साल के बाद पूछ रहा हमसे, ठीक है। वेरी इजी क्वेश्चन, सेम इसी तरीके से बनाना होगा। तो आपको पता चल गया सिंपल इंटरेस्ट में क्या है, 2 साल में 4.5% लगा, 8% हो गया। फिर लगा सिंपल इंटरेस्ट आपको 9 साल के बाद बोल रहा ना, 4 साल के लगा 6%, 24%, कितना हो गया, ये हो गया 6, और अभी भी 3 साल बाकी है, 3 साल में लगा 8%, तो यहां हो गया वापस 24%। अब ऐड कर देंगे तो हो जाएगा 56%, और ये हो जाएगा आपका R इंटू टी डेट इज 9 ईयर, ओके मल्टीप्लाई विद 700%, इट इज रेट, ओके। तो अब आपको क्या करना है, फॉर्मूला लिखना है P इंटू आर इंटू टी डिवाइड बाय 100, विच इज इक्वल टू सिंपल इंटरेस्ट। तो आपको सिंपल इंटरेस्ट दिया हुआ है 1120 रुपए, प्रिंसिपल निकालना है, R इंटू टी भी पता है वो है 56%, तो बाय 100 कर दीजिए, ठीक है। आपको खाली सॉल्व करना है, तो हो जाएगा क्या, ये कट कर देगा आपको 20, यानी ठीक है, तो ये हो जाएगा 2000 रुपीज, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो ये आपको इस तरीके से आ गया प्रिंसिपल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है कि जो प्राइस है पेन का, वो अगर आप कैश देके लेंगे तो 60 रुपए लगेगा। बोल पर्सन है जो बोलता है कि भाई 20 रुपए वो पे करता है, और बोलता है 8 रुपए हर 6 महीने के लिए, सॉरी 8 रुपए हर महीने देता है नेक्स्ट 6 महीने के लिए, ठीक है। यानी कि एक पर्सन जो है 60 रुपए का पेन चाहो तो खरीद सकते हो कैश देके, नहीं तो एक दूसरे आदमी ने क्या किया 20 रुपए दे दिया डाउन पेमेंट, और 8-8 रुपए करके हर महीना पे किया लगातार 6 महीने तक। तो पूछा जा रहा है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा, तो फुल अमाउंट क्या हो गया, वो हो गया 60 रुपीज, और डाउन पेमेंट क्या हो गया, वो हो गया ₹40 और ₹20, एंड ₹40 पे ही तो आपको सिंपल इंटरेस्ट चार्ज हुआ है ना, सिंपल इंटरेस्ट, सॉरी यहां लिख लेते, सिंपल इंटरेस्ट चार्ज्ड ऑन ₹40, समझ में आया बात, ठीक है। अब आपको क्या कह रहा, 8 महीना 8 मंथ इंटू क्या कह रहा, ₹8 इंटू 6 मंथ, यानी ₹48 आपको पे करना पड़ेगा। आपको बोल रहे रेट ऑफ इंटरेस्ट निकाल के बताओ, ठीक है। अब अभी यहां पे क्या है, 8 रुपए आपने एक्चुअली ज्यादा दिया, यानी सिंपल इंटरेस्ट में क्या हो गया, यहाँ पे फुल अमाउंट क्या था, इट इज प्रिंसिपल, ये हो गया प्रिंसिपल, फुल अमाउंट प्रिंसिपल था आपका यहाँ पे, प्रिंसिपल प्लस आप ऐसे समझो इसको, ऐसा करिए यहां पे लिखिए, यहां पे क्या हो जाएगा आपको, ये है प्रिंस एक तरीके का, ये तो प्रिंसिपल है, हमको भी यहां समझना है आपको, वो ध्यान सुनिएगा, ये क्या है यहाँ पे 40 रुपए एज ए पी, इसको आप P1 मान लो, या इसको P1 मान लो, इसको P2 मान लो, ठीक है। ये P2 में क्या है, सिंपल इंटरेस्ट भी ऐड किया, जबकि P1 में सिंपल इंटरेस्ट नहीं ऐड किया, सिंपल इंटरेस्ट क्या हो गया फिर, P2 माइनस P1 ₹48 माइनस ₹40, यानी हो गया ₹8, क्लियर हो गया, 8 रुपए आपको
एक्स्ट्रा यहाँ पे लग रहा है। ठीक है, अब इसको सॉल्व कैसे करना है यहाँ देख लीजिए, बहुत आसान है, कुछ भी नहीं घबराने की बात है। 40 आपको 40 में तो 40 का यहाँ पे आप माइनस 8 करिए, क्या हो जाएगा 32, फिर माइनस 8 करिए हो जाएगा 24, फिर माइनस 8 करिए हो जाएगा 16, फिर माइनस 8 करिए हो जाएगा 8, फिर माइनस 8 करिए हो जाएगा 0। गॉट अ पॉइंट, इन सभी को ऐड कर दीजिए तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 0 आ जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा 12। ठीक है, समझने की बात। ये एक्चुअली आपका हो जाएगा इस केस में एक्चुअल प्रिंसिपल, ठीक है, जो हमको मिला। ठीक है, अब आप इसके ऊपर सॉल्व करेंगे, यानी पी इंटू आर इंटू टी, ठीक है, डिवाइड बाय 12 महीना गुने 100 करना होगा, दिस इज 12 मंथ। और हमने क्यों किया, ये हर मंथ हमने कैलकुलेट किया है, एवरी मंथ लिया है ना, ये अमाउंट जो है एवरी मंथ का ऐड किया हुआ है, विच इज इक्वल टू सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल सा चीज है, सॉल्व कर लीजिए आपको आंसर आ जाएगा 120। यहां आपको रेट ही निकालना है, टाइम हो गया आपका 1/12 मंथ, इतना इंटू 100 इज इक्वल टू 8। ठीक है, ये सॉल्व करिए, 10 हो गया, ठीक है, और रेट हो गया आपका 80%, यानी 80% का रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज हो रहा था, कितना 80% का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, आप चाहो तो हमारे यहां बैंक पीओ बैंक क्लर्क का वीडियो लेक्चर कोर्स अवेलेबल है, जिसका प्राइस है 1500 रुपीज। और मेरे समझ से इतना लो प्राइस है कि आप एक बुक भी खरीदेंगे कहीं जाके मार्केट में तो 700-800 रुपए का एक गाइड आता है, जिसमें कोई बताता नहीं है, आपको खुद समझना है, इसमें एंटायर एवरीथिंग मिल जाएगा, हाई लेवल भी लो लेवल भी सब तरह का लेवल का आपको वीडियो कोर्स रहेगा, और एकदम जीरो टू हाई लेवल में पढ़ाया हुआ रहेगा आपको। ठीक है, उसके बाद एसएससी कोर्स भी आप खरीद सकते हैं हमारे यहाँ, वो भी अवेलेबल है 2500 रुपए का। आप चाहो तो हमारे यहाँ एक रेलवे का भी कोर्स आता है, ठीक है, रेलवे का कोर्स अगर आपको करना है तो इसका प्राइस रुपीज 1200 में आप एक कोर्स कर सकते हैं। अगर आप हमारे यहाँ कोई भी 10 मॉक टेस्ट खरीद सकते हैं, जो कि बैंक पीओ बैंक क्लर्क एसएससी रेलवे के लिए अवेलेबल है 99 रुपीज में। ठीक है, ज्यादा जानकारी के लिए आप हमें फोन कर लीजिए 4x9685127, दूसरा नंबर है 7827546946। हमारा वेबसाइट है www.bybankpocourse.in, हमारी और दूसरा वेबसाइट है www.sinhaclass.com, ईमेल आईडी हो गया seedsinha123@gmail.com। थैंक यू।